तो बच्चों, इस वीडियो में हम घड़ी में समय टाइम देखना सीखेंगे। चंदा जब अपनी दुकान से घर लौट रही थी तब उसे रास्ते में एक घड़ी मिली। घड़ी बहुत चमकीली थी। चंदा वो घड़ी अपने साथ अपने घर ले गई। जब चंदा वो घड़ी अपने घर ले आई तो उसने देखा कि उस घड़ी की सुइयां इस तरह से थीं। बच्चों, क्या आपको घड़ी की सुइयां याद हैं? आइए एक कविता द्वारा इनके बारे में फिर एक बार रिवाइज कर लें। मैं हूं एक घंटे की सुई, छोटी और मोटी। जब भी घंटा पूरा होता मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मैं हूँ एक मिनट की सुई, बड़ी और लंबी। जैसे ही मिनट हो पूरा मैं आगे हूँ दौड़ती। मैं हूँ एक सेकंड की सुई, हर समय सबसे तेज में चलती। एक सेकंड में पलक झपकते झट आगे मैं दौड़ी। चंदा सोच रही है कि वो घड़ी क्या समय दिखा रही है। तभी वहां अचानक एक परी आ गई। परी ने चंदा को जादुई जूते देकर कहा कि रात के ठीक 12 बजे अगर वो इन जूतों को पहनेगी तो वो ऐसी दुनिया में जा पाएगी जो उसकी सबसे प्यारी चीज से भरी होगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि वो ठीक 1 बजे घर लौट आए। चंदा बहुत उत्साहित हो गई। ये कहकर परी गायब हो गई। अब चंदा सोचने लगी कि उसे तो घड़ी में समय देखना नहीं आता, तो उसे कैसे पता चलेगा कि 12 कब बजेंगे। चंदा ने एक बार फिर उस घड़ी की ओर देखा। घड़ी की सुइयां इस तरह से थीं। आइए हम चंदा को घड़ी में समय देखने में मदद करें। बच्चों, क्या आप घड़ी में समय देखना जानते हैं? नहीं? कोई बात नहीं। ये देखिए बच्चों, एक घड़ी में 1 से लेकर 12 तक इस तरह से अंक लिखे होते हैं। पूरी घड़ी में 60 मिनट होते हैं और वो 12 संख्याओं के बीच बटे होते हैं, इसलिए प्रत्येक भाग 5 मिनट का होता है। और यदि आप गौर से देखें तो पाएंगे कि हर भाग में 4 छोटी रेखाएं होती हैं। इस तरह हर छोटी रेखा 1 मिनट के बराबर है। आइए देखें हम घड़ी में समय कैसे देख सकते हैं। चंदा की घड़ी में ये समय हो रहा है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि घंटे की सुई कौन सी संख्या पर है? जी हाँ, 11 और 12 के बीच में। जब भी घंटे की सुई किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में हो तब हमें उनमें से छोटी संख्या घंटे की संख्या के रूप में लेनी होगी। तो चंदा की घड़ी में कितने घंटे हुए? जी हाँ, 11 घंटे। अब देखें कि मिनट में समय कैसे देखें। क्या आप बता सकते हैं कि मिनट की सुई कौन सी संख्या पर है? 11 की संख्या पर। और हम जानते हैं कि हर 2 संख्याओं के बीच 5 मिनट की दूरी होती है। इस तरह मिनट में समय की गिनती करने के लिए हमें
11 को 5 से गुणा करना होगा। बच्चों 11 गुणा 5 हुए 55। इस तरह चंदा के घड़ी में मिनट की सुई 55 मिनट पर है। अब ये बहुत आसान है। जब भी हमें घड़ी में समय बताना हो तो बस घंटे और मिनट की संख्याओं को साथ में बोलना है। इस तरह चंदा की घड़ी में अभी 11:55 हुए हैं। चंदा ने भी आपके साथ घड़ी में वक्त देखना सीख लिया। चंदा ये जानकर बहुत उत्साहित हो गई कि 12 बजने में केवल 5 मिनट ही बचे थे। अब परी के कहने के अनुसार उसे केवल 5 और मिनट रुकना होगा और फिर 12 बजते ही वो जादुई जूते पहन के अपनी सबसे प्यारी वस्तु की दुनिया में पहुंच जाएगी। बच्चों, इस वीडियो में हमने घड़ी में समय देखना सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।